गाइस, मेरा नाम है पिंकी आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। तो समर सभी के यहाँ पे आ गया है और समर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? ऑयली स्किन और स्वेट। तो उसके लिए आप अपने जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनके लिए तो एक श्राप की तरह समर आता है और उनकी स्किन को और ज्यादा ऑयली पिंपल वाली स्किन बना देता है। धूल मिट्टी उनकी स्किन पर आ जाती है और उनके जो पोर्स है वो ज्यादा ब्रीद करने लग जाते हैं, ज्यादा सिबम प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिस वजह से वो ओपन हो जाते हैं। एक्चुअली पोर सभी के होते हैं लेकिन खास करके जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनकी विजिबल थोड़े ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैं आपके लिए मेरे टॉप 5 मॉइस्चराइजर लेके आई हूँ जो कि बहुत ही परफेक्ट है इन समर्स के लिए। समर स्किन के रूटीन के अंदर आप उनको जरूर फॉलो करें और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अफोर्डेबल वो मॉइस्चराइजर हैं और आप सभी लोग उसको आसानी से खरीद सकते हैं। सभी का लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, साथ ही साथ ओपन मार्केट में अवेलेबल है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इन सभी की रेंज में आप सभी लोग वाकिफ होंगे लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अभी पहले ये मॉइस्चराइजर में आती थी लेकिन ये क्रीम में आती है। मॉइस्चराइजर का रिव्यू भी मेरे चैनल के ऊपर बिल्कुल अवेलेबल है, आप जरूर चेकअप कर सकते हैं, मैं कार्ड्स में उसको डाल दूंगी। तो इस मॉइस्चराइजर को पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 5 मॉइस्चराइजर कौन कौन से है। सबका क्लोजअप मैंने लिया हुआ है तो वो क्लोजअप आपको आगे दिखेगा, आप उसी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट मॉइस्चराइजर है लैक्मे का मॉइस्चराइजर। जो सेकंड मॉइस्चराइजर है मेरे पास वो है लैक्टोकैलामाइन मॉइस्चराइजर। ये परफेक्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए, मैं इसके बारे में जितना अच्छा बोलूँ उतना कम है और ये परफेक्ट मॉइस्चराइजर। इसके भी आपको डिटेल अब आगे देखने को मिलेगी, अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं वीडियो। थर्ड पिक है मेरे पास वादी का मॉइस्चराइजर। ये भी बहुत अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर है आप लोगों के लिए, आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। इसका भी क्लोजअप आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इस वीडियो के आगे मिलेगा। जो फोर्थ पिक है मेरे पास लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, उसी का मॉइस्चराइजर है बट इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा लाइट वेट है जो कि आपकी स्किन के अंदर ज्यादा अच्छे से डीपली अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज अच्छे से करता है और चिपचिप और फील आपको बिल्कुल भी नहीं देता है। लास्ट जो मेरा मॉइस्चराइजर है वो है नेचुरल बाथ एंड बॉडी का विटामिन सी मॉइस्चराइजर। ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आने लग गया है, विटामिन सी है तो आपकी स्किन को रिजुविनेट भी करता है, साथ ही साथ आपको हेल्दी ग्लो भी देता है। तो ये मॉइस्चराइजर ऐसा मॉइस्चराइजर आप इसको दिन में रात में आपका जब मन करे आप इसको यूज कर सकते हैं, परफेक्ट मॉइस्चराइजर फॉर समर। तो चलिए सभी का क्लोजअप एक बार देख लेते हैं। तो लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर कुछ इस तरह के कंटेनर में आता है और इसका जो कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत अच्छा है, आप देखेंगे एकदम थिक और पिंकिश कलर की ये क्रीम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही लाइट वेट है, समर के लिए परफेक्ट है आप लोगों की स्किन के लिए और आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये बिल्कुल भी ऑयली और ग्रीसी और चिपचिपी फीलिंग ये नहीं देता है। तो ये मेरा फर्स्ट पिक है आप लोगों के लिए समर के लिए। जो सेकंड मॉइस्चराइजर है वो है लैक्टोकैलामाइन का मॉइस्चराइजर। इसका सेपरेट रिव्यू मेरे चैनल के ऊपर है। ये भी बहुत ही सस्ता मॉइस्चराइजर है, जैसे लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर पीच मिल्क क्रीम जो कि 99 रुपीज की है, ये भी तकरीबन 99 रुपीज का ही है, 100 रुपीज का है। तो ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की तो ये बहुत ही ज्यादा लिक्विडी है जो आपकी स्किन को बहुत ही आराम से, यस ये बॉटल पैकेजिंग है तो थोड़ा सा मैसी हो सकता है आप लोगों के लिए, बट एज ए क्रीम एज अ मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। आपकी स्किन से एक्सेसिव ऑयल सेक्रेशन को रोकता है ये और आपकी स्किन को एकदम मैट फिनिश देता है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए और समर के अंदर ये बहुत ही बेस्ट अच्छी चॉइस ये मॉइस्चराइजर बन सकती है। आप ही लोगों के लिए जो थर्ड पिक है मेरे पास वो है वादी का मॉइस्चराइजर, जो कि कुछ इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग के आता है और मॉइस्चराइजर के मुकाबले ये काफ़ी अफोर्डेबल है एज वेल एज काफ़ी नाइस पैकेजिंग है इसकी। तो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको लेना है और आप देखेंगे एकदम से स्किन के अंदर चला जाएगा, बहुत ही ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, ऑयली नहीं है। मेरा पर्सनल फेवरेट मॉइस्चराइजर है इन गर्मियों को, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा शाइन और ग्लो भी आपके फेस में ऐड करता है। तो ये था मेरा फोर्थ पिक आई थिंक एंड थर्ड पिक वादी का मॉइस्चराइजर। करते हैं अपने फोर्थ पिक की, तो है लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, 110 रुपीस का ये आता है, काफ़ी अच्छी गुड क्वांटिटी आती है इसकी, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, इसका जो नोजल है वो भी बहुत ही अच्छा है। मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया है, आप देखेंगे इसकी जो कंसिस्टेंसी वो एकदम लिक्विडी है, मैं थोड़ा सा निकाल के आपको दिखाती हूँ। मेरा ऑलमोस्ट फिनिश है, मैंने इसको ख़त्म कर लिया है बिल्कुल, तो आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम लिक्विडी है और ये बहुत ही ईजिली आपके चेहरे में चला भी जाता है, देखेंगे आप।
और ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ऑयली या ग्रीसी नहीं करता है, इस वजह से मुझे ये मॉइस्चराइजर काफ़ी पसंद था। मैं इसको दोबारा से ख़रीदने वाली हूँ और इसका मैंने जो क्रीम है वो मैंने आपको दिखाया है वो थोड़ी सी हैवी कंसिस्टेंसी में है, ये एकदम लाइट वेट है। मेरा लास्ट और फाइनल पिक है आपके लिए नेचुरल बाथ एंड बॉडी का विटामिन सी मॉइस्चराइजर। ये आप सभी को पता है विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और ये मॉइस्चराइजर पर्टिकुलरली मुझे बहुत पसंद है। आप इसको इवनिंग के अंदर अप्लाई करें, अगर आप रात को सो रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को रिजुविनेट करने का काम करता है, साथ ही साथ ये बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन के अंदर चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत ही अच्छा सिट्रस इसका स्मेल है जो आपको बार बार रिफ्रेश करेगा और आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, रात को डे को, और ये बहुत ही अच्छा ग्लॉसी और शाइनी है, लेकिन चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होगा, तो गर्मी के लिए ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा है। आशा करती हूँ आपको मेरे टॉप 5 मॉइस्चराइजर पसंद आए होंगे, अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए जरूर मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप नोटिफाई रहे मेरी हर वीडियो के लिए। आपकी कोई भी सजेशन या क्वेरी हो तो मुझे कॉमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू बता सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई जरूर करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।